अभी मैं उसी लाल बहादुर शाह के घर पे मौजूद हूँ जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और कुछ महीने बाद ही उनकी हक की खबर आती है और उसके बाद जो दर परत उसका खबर जो निकलने लगता है तो चौंकाने वाला खबर आता है। जी हाँ, अगर आप लोग भी सऊदी अरब अगर कमाने जाते हैं तो आप भी सतर्क हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा और जाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। आपको मैं बता दूँ कि यही वो घर है लाल बहादुर शाह का। अभी मैं मौजूद हूँ सुपौल जिला के बीरपुर थाना क्षेत्र के बराटपुर गांव में और लाल बहादुर शाह लगभग 1 वर्ष पहले सऊदी अरब कमाने जाते हैं। गांव के ही बगल के एक एजेंट के माध्यम से उनका पासपोर्ट बनता है और उनको सऊदी अरब लेकर जाया जाता है। सऊदी अरब ले जाया जाता है कोई घर का काम काज करने हेतु, लेकिन उसको वहाँ पर भेड़ बकरी चराने के लिए दे दिया जाता है। 8-9 महीने बाद जो है लाल बहादुर शाह का एक वीडियो वायरल होता है। जी हाँ, लाल बहादुर शाह जब वहाँ पर विदेश में सऊदी अरब में भेड़ बकरी चरा रहे होते हैं तो उसी वक्त जो है वो एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और वो कहते हैं, भारत सरकार से विदेश मंत्रालय से गुहार लगाते हैं कि यहाँ पर मेरी जान को खतरा है, यहाँ पर जो मालिक है हमें भेड़ बकरी चराने के लिए दे दिया गया है, 200-300 भेड़ बकरी दे दिया गया है और खाने के लिए भी सही से नहीं दिया जा रहा है, छुट्टी भी एक दिन नहीं दिया जा रहा है और बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उन्होंने गुहार लगाया था कि हमें किसी तरह से यहां से जो है घर पहुंचाया जाए, हमें यहां से बाहर निकाला जाए, हमें यहां से अपना देश यानी भारत देश अपने गांव पहुंचाया जाए। और उसी वीडियो के 2 महीने के बाद जो है जब परिवार वाले उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, संपर्क करने का प्रयास करते हैं तो उनसे बात भी नहीं हो पाता है। पता चलता है कि उनका मोबाइल भी वहां पर जो है जब्त कर लिया गया, छीन लिया गया। लेकिन उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद 2 महीने के बाद जो है उसकी मृत्यु का खबर आ जाता है। पता चलता है कि उनको वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, हालाँकि वहाँ पर जो है बाद में जो खुलासा होता है, वहाँ पर जो मालिक था जिसके अंदर में लाल बहादुर शाह काम कर रहे थे, वहाँ पर उन लोगों का आरोप था कि ये आत्महत्या कर लिया। लेकिन इन लोगों का यहाँ पर कहना है, परिजनों का कहना है कि वहाँ पर जो है उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, मारपीट किया जा रहा था और जब वो वीडियो वायरल किया तो उसके बाद जो है मालिक ने उनको ख़त्म कर दिया। और हमारे सामने ये देख सकते हैं परिजन हैं, उन्हीं की पत्नी है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है भाई साहब कि इनका अपना एक कट्ठा एक धुर जमीन भी नहीं है। घर आप देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये लोग काफ़ी गरीब है, एक रोज मजदूरी करके खाने वाले हैं। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी मजबूरी इनका ये है कि 7 बेटी और 1 बेटा है। जी हाँ, इनको 7 बेटी और 1 बेटा है। यही सोचकर कहीं ना कहीं लाल बहादुर शाह जो है सोचे कि हम देश जाकर कुछ पैसा कमाएंगे और अपनी बेटियों का जो है एक एक करके किसी तरह से शादी कर लेंगे। लेकिन उनका जो है सोचा हुआ ही रह गया और आज जो है इस दुनिया में नहीं है लाल बहादुर शाह। 2 रोज पहले उनका बॉडी जो है विदेश से घर आता है और बॉडी आने के बाद जो है परिवार में मातम छा जाता है और उनको अंततः जो है दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन बड़े ही जिद्दोजहद के बाद जो है उनका बॉडी विदेश से आता है। किसी को ये अनुमान नहीं था कि उसका बॉडी घर पे आ पाएगा, लेकिन परिवार वालों के द्वारा, परिजनों के द्वारा जो है लगातार गुहार लगाया गया। सुपौल के DM, SP तमाम पदाधिकारियों के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा, विदेश दूतावास के द्वारा जो है यानी कि हर जगह से जो है लगातार गुहार लगाया गया और अंततः जो है लाल बहादुर शाह का बॉडी 2 दिन पहले घर आता है। और बॉडी इस हालत में आता है कि वो आपको हम दिखा भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, आप समझ सकते हैं लगभग 2 महीना 5 दिन हो चुका था लाल बहादुर शाह के बॉडी को। यहाँ देख सकते हैं उनकी तमाम बेटियाँ हमारे पीछे में बैठी हुई है और उनका जो 7 बेटी है और 1 बेटा है मात्र, यही बेटा है, दिखाइएगा जरा, देखिए यही मुखाग्नि दिया है। और अब जो है पूरे परिवार में अंधेरा छाया हुआ है कि आखिरकार जो है 7 बेटी का शादी विवाह कैसे होगा, कैसे परिवार चलेगा। आइए हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं लाल बहादुर शाह की पत्नी से। हालांकि अभी
जिस स्थिति में है ये बोल भी नहीं पाएंगे। कितना दिन पहले बाहर गए? सर 10 महीना भले। 10 महीना? 10 महीना भले। 10 महीना में जैसे पूरा खतरा कह दल के, खतरा करे के बाद जब मरवा दल के तो हम फोन लगाबिए, कतौ न फोन लागे, कहिए डमर साह का रे बो हमरा आदमी से कनी बात करा, तो कह नहीं बात नहीं भै सकतो, मालिक एत ओत ड्यूटी पर है, कल ड्यूटियों पर ना लाइन पर बात करा दे। अच्छा, डमर साह के मुक्ति साह का बेटा छी। मुक्ति साह का बेटा, मतलब ओकरे माध्यम से बाहर गए? हाँ, ओकरे माध्यम से गले, बहुत परेशानी से लह गए, गुहार क्या के लह गए, वो नहीं जा रहे हमारे आदमी, टका आपस क्या ले लिए रहते पर आपस क्या के फिर घुरा के लै गए, कल के बहुत निक काम में लगा देव, बहुत स्थिति काम में रहता, टेंशन जीवन में नहीं हुआ देव, तो कल टेंशन नहीं हुआ देवी, हमारे टेंशन बाबू नहीं हुआ दी, हमारा सात बेटी है, एक लड़का है, आदमी हमारा अकेले है, जीवन में हमारा खराब भाई थे, कल के नहीं कहियो न कुछ नहीं हेते, एना हेते 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 एक बैगे मोबाइल बंद कह दल के। अच्छा, जो वीडियो जो वायरल भले रहे फेसबुक पर, तो ओके बाद जे छे कते दिन के बाद मालूम चल ले हां का जे नहीं छे? हमरा जे छे से 2 महीना के बाद मालूम भेले। अच्छा। 2 महीना जब है गले ना तब मालूम भेले, से आप पता लगाबिए हमें, एतय ओतय करिए, सगठे मुक्ति साह के द्वार पर जाइए, हमारा आदमी से बात नहीं तो अपना बेटा से बात करो, तो हम अपना बेटा से बात करे चेक करे चे, तब करे चेक। बाहर जे गेले रहे तो ओके बाद अभी तक में अहाँ के क्या बेर बात भले रहे? हमरा वो जै दिन से गेले मात्र 3 महीना बात भेले, तकर बात बंद बंदे रह गेले। पैसा वैसा ओत से यानी कि लगभग जे वो 8-9 महीना ओत रहले काम करलके, तो पैसा क्या बेर भेजलके? पैसा 2 बेर भेजलके, दुए बेर मात्रे पैसा दलके, तकर बाद पैसा कौड़ी कुछ नहीं, बाल बच्चा के हम बोन कमे कमे खियाबिए, परवस्ती करिए, एना कानिए बाजिए, भाई बाप के टेंशन नहीं ले, आए हेतु कल हेतु फैसला हेतु, एना करते करते मोबाइल आपस कह लल्क, आपस करला के बाद हमरा बात नहीं भेले, तकर बाद हम बेसी पागल बने लागलिए, तो कहिए रे डमर हमरा लाइन पर बात करा, कल के 4 तारीख का मोबाइल दतो आई आदमी तोहर बात करतो, 4 तारीख का भर दिन भर बपढ़ कट के रह गलिए नहीं बात भेले, 5 तारीख का हमें फिर भैया ले फोन लगे लिए विदेश में भैया है, कल के ठीक है दाई टेंशन नहीं ले, हम पता लगवे छे, पता लगवे के बाद जे छे से कल के खत्म भए भाग गेलो पर आगलो नहीं छे से कहल के। अच्छा, अभी तक जे अहाँ के पति के जे बॉडी अले तो अभी तक घर पर के अले, प्रशासन, यहाँ के प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, सब कोई मिला ललके सर, कोई कत नहीं सुनवा, कोई कोई नहीं अल, गाम वाला कोई नहीं अल, कोई नहीं साथ दल, घर पर कोई नहीं, कोई नहीं अल, कोई नहीं साथ दल के, हमरा ऊपर कोई नहीं रहले, साफ नहीं, सब आँख मिल ललके। देख सकते हैं कहीं न कहीं बहुत ही शर्म की बात है कि सऊदी अरब में एक गरीब व्यक्ति का जान चला जाता है, अंततः उसका बॉडी भी घर आता है, लेकिन परिजनों का कहना है कि अभी तक जो है घर पे ना तो कोई प्रशासन का आदमी और ना ही कोई प्रतिनिधि इनको अभी तक आश्वासन देने के लिए आए हैं। क्या क्या कहिएगा सरकार से, क्या गुहार? सरकार से हम यह योजना मांगे छे सर, हमारे सातों बेटी का निमा होना चाहिए, कोई मुआवजा आव चाहिए हमरा, जीवन हमरा कोना के बिताना चाहिए, बाल बच्चा के लाके की पढ़े लिखे करबे केना हमर जीवन। अच्छा, शांत रहू शांत रहू, कल जे गेले ओकरा घर पर अहाँ सब गेल रहिए बॉडी के लै के, तो की फैसला भेले? कुछो न फैसला भेले, बात मिला ललके, कहलक 2.5 लाख टका दो, 2.5 लाख घोट ललके, नहीं भेले अभी तक में, नहीं मिलले कुछ, नहीं कुछ नहीं मिलले, 10-10 हजार 10 पर्ची बनाने छे, 10 हजार छाप लेने छे, कहे छे देबे नहीं, कुछ नहीं दलके। देख सकते हैं बिहार में यही सब देखा जाता है, गरीब का चाहे जान रहे चला जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो है कोई देखने वाला नहीं है, कोई मुआवजा का बात नहीं, कोई कुछ नहीं। अब समझ सकते हैं कल जो है परिजन उस एजेंट के घर पे भी बॉडी को लेकर जाते हैं, उसके बाद भी जो है अभी तक कुछ नहीं मिला है। अहाँ के भेल? हम सब सब बड़की बेटी। बड़ी बेटी? हाँ। क्या बहन छे? सात सात बहन एगो भाई छे। अहेटा के शादी भेले, बाकी छह भेल छे।
देख सकते हैं सात बेटी में मात्र एक बड़ी बेटी की शादी हुई है, बाकी सात बेटी जो है अभी शादी करने के लिए है। ये और भी परिवार के लोग हैं। की नाम भले बिंदा देवी के छे और बहन छे। अच्छा बहन भले कल जे गेले बॉडी लेके एकरा घर पर एजेंट के घर पर त की भेले फस ओकरा घर पर लाब लिए त पने रखे लिए एम्बुलेंस ओकरे द्वार पर। अच्छा एम्बुलेंस रखे लिए त 12 जो बजले रात तो फोर्स के मंगेल के फोर्स येले हमरा साथ बहस केलके कहलके किया इतना राख ली लास। हम कहले लास एकरा द्वार पर राखबे जिंदगी भर के। वो हमरा कहलके सब दिन कहलके से हम ओकर रीछ लेबे। हम कहलिए हमरा दामाद के मंगा दे, सात गो बेटी छे ओकर गुजर बर तो केना जेते हमरा मंगा दे। वो कहलक हम जिंदगी के रीछ लै छियौ तोहर बेटी के जमा के हम एठना दू साल राखबू। तकर बाद बक्सा कहलकै बक्सा सदस्य कहलकै गर्दनिया दए कऽ हटा हम ओघरा देलकै ठेलके आ सदस्य आ चारो बापूत मिल कऽ बक्सा उठा कऽ ओनेके बिक देलकै रोड पर फेंक देलकै। वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य ई वार्ड हाँ देख सकते हैं कि यहाँ तक कि वार्ड सदस्य या जो भी प्रतिनिधि है वो भी इनके पक्ष में नहीं था, वो भी इनका मदद नहीं कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी शर्म की बात है। क्या मांग करिएगा प्रशासन से? प्रशासन तो कल बोला 2.5 लाख रुपया देंगे। यहाँ का कोई आदमी ऐसा है सो उसके पक्ष में लड़ा सो नहीं, वो भी गरीब है से 2.5 लाख रुपया कहाँ से देंगे। उसका बेटा नहीं पक्ष लेता है तो बूढ़ा आदमी कहाँ से देंगे। तो 1,75,000 रुपया में जबरदस्ती कागज बना दिया है दरोगा के सामने, बड़ा बाबू के सामने। झोरा करे से नहीं नहीं दीजिए छाप, जबरदस्ती छाप लगा करके बोला 10,000 रुपया दीजिए, उसका कफन तफन ला करके जला देगा, नहीं तो लाश लेकर नहीं लीजिएगा, इतना मरा नहीं कीजिएगा तो लाश लेकर सरकारी लगा देंगे। अच्छा जब जो बॉडी जो आया वहाँ से विदेश से तो कैसे आया, कहाँ डायरेक्ट घर पे आया कि कैसे? घर पे नहीं आया, डायरेक्ट मुक्ति सा के यहाँ आया। तो मेरा मम्मी था वहाँ संग में गया, पापा था वहाँ से पटना से लाने के लिए, मामा गया था, मेरा पापा गया था, बड़ा साढ़ू हुआ पटना गया था लाने। हाँ पटना लाने। अच्छा, पटना से जो है आप लोग खुद लाए कि सरकार के द्वारा ही प्रशासन के? खुद लाए, 20,000 रुपया एम्बुलेंस वाला लिए। अच्छा वहाँ से अपना 9,000 टका इधर से लिए, चार चक्का से गए थे, यहाँ से आदमी जो गए थे तो बोला चार चक्का से हम जाएंगे। मतलब पटना से लाने में प्रशासन कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं किया। आप लोग को वहाँ से खबर आया तब खुद जाकर वहाँ खुद से उठाकर वहाँ से लाए एम्बुलेंस से, तो वहाँ पर रख दिया। तब बोला काहे रखा मेरा द्वार पे, तो हम लोग बोले से इतना है तो रखेंगे ना, आप तो ले गए थे तो हम तो रखेंगे करेंगे, आप तो की कैसे रिस्क को भर लिए थे ना। देखिए हमारे सामने में जो है वही लाल बहादुर शाह की तमाम बेटियाँ यहाँ पर बैठी हुई है। देखिए एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक वहाँ छोटी सी सबसे छोटी बच्ची है 6, और एक वहाँ जो सबसे बड़ी है शादी हो गया है। सात लड़की है और एकमात्र यही लड़का है जो मुखाग्नि दिया है। अच्छा बउआ क्या नाम हुआ तुम्हारा? कृष्णा। पापा जो जब से विदेश गए थे तो बात हुआ था पापा से? फोन पर कहियो बात नहीं? कहियो नहीं? देख सकते हैं भाई साहब पिताजी जब विदेश जाता है तो एक साल लगभग गुजर जाता है, लेकिन अभी तक जो है बच्चों को उनसे बात तक नहीं हो पाया, और पत्नी को मात्र 2-3 बार जो है फ़ोन पर बात हुआ। लेकिन जब से उनकी मृत्यु की खबर आई तो वहाँ से जो है बॉडी भी आना मुश्किल था, लेकिन तमाम परिजनों के द्वारा लगातार कोशिश करने के बाद जो है लाल बहादुर शाह जी का बॉडी आता है और यहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है। जब से लाल बहादुर शाह का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से लगातार तमाम पेपर में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में इनका खबर जो है लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है परिजनों को न्याय नहीं मिला है। बाकी इस तरह की घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग बाहर जाते हैं विदेश जाने के लिए सोचते हैं वो इस खबर को देख कर कम से कम सतर्क रहे और बाहर जाने से पहले सोच समझ कर बाहर जाएँ। बाकी आप DNY News देख रहे थे, धन्यवाद।